तेज धूप के कारण राज्य में अधिकतम तापमान तेजी से बढ़ रहा है। विदर्भ और मराठवाड़ा में गर्मी की लहर चपेट में आ गई है, जबकि उत्तर महाराष्ट्र बहुत गर्म है। अकोला में राज्य में सोमवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक मतलब 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राज्य में गर्मी की लहर तेज हो गई है। मौसम विभाग ने विदर्भ और मराठवाड़ा में गर्मी की लहर की चेतावनी दी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में सुबह की धूप, दोपहर बादलों और मूसलाधार बारिश से मौसम अलग हो रहा है। हालांकि प्री मानसून वर्षा की शुरुआत के साथ राज्य में गर्मी की लहर तेज हो गई है। विदर्भ में तापमान 41 से 45 डिग्री के बीच है। मराठवाड़ा में अधिकतम तापमान 41 से 44 डिग्री, मध्य महाराष्ट्र में 38 से 43 डिग्री और कोकण में 33 से 35 डिग्री अधिक है। अगले गुरुवार तक गर्मी की लहर तेज हो जाएगी और विदर्भ और मराठवाड़ा में गर्मी की चेतावनी दी गई है। शुक्रवार को बंगाल की खाड़ी में दक्षिण अंडमान सागर और उसके आसपास के एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। हालांकि इस निम्न दबाव क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां बनाई गई है। नतीजन संकेत है कि गुरुवार को इसे और अधिक प्रमुख बनाने के लिए सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। मौसम विभाग ने रविवार को कहा कि उत्तर की ओर बढ़ते ही कम दबाव का क्षेत्र तेज हो जाएगा। NBC न्यूज के लिए अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।